स्टूडेंट्स वेलकम एट दीक्षांत सेव टेक। मैं दीपक शर्मा आपका मैथ्स का टीचर और आज का ये वीडियो होगा हमारा पार्ट टू। टॉपिक वही है हमारा नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो पिछले पार्ट में हम लोग इंटीजर्स को समझे थे प्लस इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में बात किए थे और इंटीजर्स का कंपेरिजन कैसे होता है इसके बारे में बात की। ये तीन टॉपिक पर बेसिकली हम लोग बात किए हैं पिछले पार्ट में। आज की इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्क करेंगे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि इंटीजर्स जो होता है हमारा वो नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, होल नंबर को भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, जीरो को छोड़कर, है ना। बेसिकली जीरो को छोड़कर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर ही होता है। तो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर निगेटिव इंटीजर्स भी कहलाता है। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे -1, -2, -3, -4, है ना। मतलब जब हम लोग माइनस का साइन यूज़ करते हैं तो वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। और जो भी हम लोग पढ़े थे उसके उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस था हमारा, जिनको यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है, उसको भी हम लोग एक बार क्विकली समझेंगे और फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे अपना। तो पहला था कि एवरी नंबर लाइंग ऑन द राइट इज ग्रेटर। राइट साइड में जो भी नंबर होता है किसी नंबर लाइन पे वो ग्रेटर होता है और लेफ्ट साइड में अगर होगा तो स्मॉलर होगा। ये बात ध्यान रखना है, ऑन द लेफ्ट ग्रेटर देन ऑन द लेफ्ट। हाँ, मतलब लेफ्ट वाले नंबर से राइट वाला ग्रेटर होगा और लेफ्ट वाला जो नंबर होगा राइट वाले नंबर से छोटा होगा। सेकेंड, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर बट ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब जीरो की अगर बात करें तो जीरो जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है और नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। द ग्रेटर ए पॉजिटिव इंटीजर द स्मॉलर इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। मतलब अगर कोई इंटीजर का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर का उतना ही छोटा होगा। जैसे 100 एक बड़ा नंबर है ना, जीरो के कंपेयर में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन -100 उतना ही छोटा हो जाएगा जीरो से, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है कंपेयर जीरो से करेंगे इस यहाँ पे, है ना। चलिए इस पॉइंट को एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या मतलब है द ग्रेटर ए पॉजिटिव इंटीजर द स्मॉलर इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। मतलब जैसे +100 क्या है, जीरो से 100 एक्स्ट्रा है, जीरो से 100 ज़्यादा है। पॉइंट पे फिर से एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो हम लोग समझ लेना चाहिए। द ग्रेटर ए पॉजिटिव इंटीजर द स्मॉलर इज कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। जैसे ये 100 जीरो के कंपेयर में एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है, लेकिन अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो ये क्या होगा, -100। अब ध्यान दीजिए, जीरो से ये जितना बड़ा, ये जो है 100 बड़ा है ना जीरो से, तो जितना बड़ा है ये उतना ही ये छोटा हो जाएगा इससे। यही इसका मतलब हुआ, है ना। जीरो से ये 100 बड़ा है तो ये -100 जीरो से उतना ही छोटा भी हो जाएगा, मतलब 100 छोटा हो जाएगा, समझ गए। यही इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा। अब नंबर 5, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 वेयर एज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कांट बी डिटरमाइंड। मतलब 1 क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब उसका पता नहीं लगा सकते, ठीक है। उसी तरह से ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर हमारा -1 होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर का हम लोग पता नहीं लगा सकते। और देर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड देर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है तो कोई नहीं है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है तो वो भी कोई नहीं, मतलब हम लोग उसका डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग पिछला जो वीडियो को एंड किए थे, अब हम लोग आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, राइट एप्रोप्रिएट सिचुएशन टू इंडिकेट द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ गिवन सिचुएशन। अब यहाँ पे नॉर्मल हम लोग जैसे अपने इंग्लिश में अपोजिट लिखते हैं वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। जैसे देखिए, 5 days लेफ्ट फॉर अ स्कूल फीट, FET, ये कोई फेस्टिवल या कोई ओकेशन है स्कूल में, उससे रिलेटेड है। अब इसका एग्जैक्ट हमको मीनिंग याद नहीं आ रहा है, बट अभी उससे रिलेटेड नहीं है हमें। स्कूल फीट मतलब स्कूल का कोई एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन टाइप समथिंग, है ना। तो स्कूल फीट में 5 दिन बचा हुआ है, तो इसका ठीक अपोजिट क्या होगा कि स्कूल फीट बीते हुए 5 दिन हो गए, है ना। मतलब अभी 5 दिन कम है और 5 दिन ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 days passed after
ए स्कूल फिट, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड में देखिए, तो बहुत इजी है, लूजिंग रुपीज 30,000 इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में 30,000 रुपीज को लॉस कर दिया, मतलब गंवा दिया है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अर्न या अर्निंग, बट यहाँ पे हम लोग अर्न लिखेंगे क्योंकि अर्निंग अभी जो हो जाएगा हमारा अर्निंग रुपीज, ठीक है। एनीवेज हम लोग ग्रामेटिकल पे नहीं जाएंगे, अर्न रुपीज 30,000 आप लिखिए इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। देख रहे हैं ना, डिफरेंसेस केवल हमारा यहाँ पे आ रहा है, बाकी सब चीज सेम है। हियर इज द डिफरेंस, है ना, लूजिंग की जगह पे हमने क्या कर दिया, अर्नड, यहाँ पे हमारा लेफ्ट फॉर था, यहाँ पे पास्ट आफ्टर, मतलब बीते हुए 5 दिन हो गए, ठीक है ना। तो यही जो की वर्ड्स उस पर ध्यान देना है, और कोई मुश्किल नहीं है। द टेम्परेचर रोज बाई 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, थर्ड नंबर का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, द टेम्परेचर रोज हुआ, रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब, आर ओ एस ई, रोज, रोज मतलब गुलाब, है ना। तो मैं बता दूं कि ये गुलाब वाला रोज नहीं है, ये है रोज मतलब बढ़ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है 8 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़ने का उल्टा क्या होता है, घटना, तो घटने के लिए हम लोग फॉल यूज करेंगे, द टेम्परेचर फॉल बाई 8 डिग्री सेल्सियस। नंबर 4, सेविंग रुपीज 5,000, मतलब 5,000 रुपये का बचत हुआ है, बचाया गया है, तो बचाना का उल्टा क्या होता है, खर्चा कर देना, तो सेविंग का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंस लिख सकते हैं, एक्सपेंस रुपीज 5,000, ठीक है। नाउ 5, ए रॉक क्लाइंबर स्लिप डाउन 50 मीटर, स्लिप्ड डाउन मतलब फिसल के नीचे आ गया 50 मीटर, तो स्लिप डाउन का, अब मैं केवल स्लिप डाउन का मीनिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपोजिट, क्लाइम्ब्ड अप, क्लाइम्ब्ड अप, मतलब आपको क्या लिखना है, ए रॉक क्लाइंबर क्लाइम्ब्ड अप 50 मीटर, 50 मीटर स्लिप करके आ गया, उसका उल्टा क्या होगा, 50 मीटर ऊपर चढ़ गया, ए लॉस ऑफ रुपीज 52,000, तब ये तो आप समझ जाएंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, यूज इंटीजर्स टू डिस्क्राइब ईच आइडिया, है ना, ए लॉस ऑफ रुपीज 200, इसके लिए हमको एक इंटीजर, यहाँ पे अपोजिट नहीं लिखना है, लॉस के लिए हम लोग एक प्रॉपर वर्ड, तो आप पढ़े थे ना प्रॉफिट लॉस में हम लोग क्या करते थे, अभी आपको पिछले पार्ट में ही बताया गया था, प्रॉफिट को पॉजिटिव और लॉस को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस रुपीज 200, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस के लिए नेगेटिव। सी लेवल, अब सी लेवल जो समुद्र का स्तर है ना, समुद्र का स्तर है मतलब ना गहराई पे है ना ऊंचाई पे है, एकदम ना ऊपर ना नीचे, तो इस सिचुएशन को हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा, जहाँ पे ना आगे है ना पीछे, मतलब जो एकदम न्यूट्रल है, उसके लिए हम लोग जीरो वर्ड यूज करेंगे, आई मीन जीरो इंटीजर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब 1980 AD, AD का मतलब होता है, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, अभी डेथ किसकी बात हो रही है, किसके डेथ की बात हो रही है, जीसस क्राइस्ट की, तो आफ्टर डेथ मतलब जीसस क्राइस्ट के मरने के कितने समय बाद, 1980 ईयर्स, तो यहाँ पे पोस्ट की बात हो रही है, पहले की नहीं बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव में ये करेंगे, पॉजिटिव 1980। अब BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के आने के पहले का समय, तो क्राइस्ट के आने के कितने पहले, तो 2000 पहले, तो पहले के लिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे, आई मीन नेगेटिव इंटीजर यूज़ करेंगे, तो -2000। अगेन उसी तरह से अब इसके आगे का आप खुद बना सकते हैं, बहुत इजी है, प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, विदड्रॉ होगा तो क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमने वाले से भी नीचे है टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए, है ना, 15 सेकेंड टू ब्लास्ट, मतलब कोई पुराना बिल्डिंग को उड़ाना है तो उसमें 15 सेकेंड बाकी है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको कैसे करेंगे, पॉजिटिव में या निगेटिव में, ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट फ्लोइंग ऑन नंबर लाइन, ओके, सो दिस इज नॉट फ्लोइंग, दिस इज फॉलोइंग, FOLLWING, मतलब ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, और हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही कर देना है,
डिस्टेंस इस हिसाब से रखिएगा कि जो मैक्सिमम है सारा कवर हो जाए इसमें। ठीक है ना, हर बार बताते हैं, फिर बता रहे हैं कि किसी भी दो इंटीजर्स के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ है ना, मतलब अगर कोई इस तरह से बनाता है, जैसे सपोज ये जीरो कर दिया, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो देख रहे हैं ना, क्लियरली दिख रहा है कि कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, तो दिस इज़ रॉन्ग वे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसे कभी नहीं करना है। यहाँ भी थोड़ा कम ज़्यादा है लेकिन उतना विजिबल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मैंने अंदाज़ा से किया है ना। एक्चुअली जब हम करेंगे तो उसको एकदम मेजरमेंट के साथ करेंगे, तो फिलहाल हम लोग अभी समझने के लिए हम लोग ध्यान रखना है कि इक्वल रहना चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस, किसी भी दो इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए। तो ये 10 हो गया, अब यहाँ पर हम लोग माइनस वन माइनस टू, सेम डिस्टेंस यहाँ भी वही रहना चाहिए जो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में लिए, वही यहाँ भी रहना चाहिए। अब जैसे पहला है हमारा फर्स्ट, तो फर्स्ट ये हो गया हमारा, ठीक है, माइनस नो आई एम सॉरी, ये तो पॉजिटिव 7 है, नेगेटिव 7 हमारा यहाँ पे है, दिस इज फर्स्ट। अब पॉजिटिव 10 कहाँ है, यहाँ पे है, दिस इज सेकेंड। नेगेटिव 5, दिस इज थर्ड, एंड 0, दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो एक ही नंबर लाइन बना के हम लोग जितने भी नंबर्स दिए हैं सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ये जितने भी इंटीजर्स हैं इनका अपोजिट इंटीजर लिखना है, तो अपोजिट इंटीजर ऑफ -21। +21 मतलब पॉजिटिव 20 है ना, नेगेटिव 21 का अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव 20। उसी तरह से नेगेटिव 1 का अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव 1 यानी +1। पॉजिटिव 6 का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव 6 मतलब -6 है ना। तो बहुत ईजी है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है ना। ये जो एडजेसेंट फिगर मतलब जो बगल में आपको फिगर दिख रहा है, ये भी एक नंबर लाइन ही है लेकिन वर्टिकल है, मतलब खड़े पोजीशन में, ठीक है ना। आप हमेशा देखते थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता था हमारा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड है ना, और वर्टिकल मतलब ग्राउंड पे अगर हम सीधा खड़ा है तो वर्टिकल लाइन कहलाता है। तो ये देख रहे हैं खड़ी लाइन है, तो यही बोल रहा है वर्टिकल नंबर लाइन है ना, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, और ये भी इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ऑब्जर्व करना है और पॉइंट्स को लोकेट करना है। लोकेट करना मतलब बताना है कि वो कौन सा पॉइंट कौन सा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इफ पॉइंट डी इज पॉजिटिव 8 है ना, पॉजिटिव 8, ये जो पॉइंट डी है हमारा ये पॉजिटिव 8 है, देन विच पॉइंट इज माइनस मतलब निगेटिव 8 कौन सा है। अगर डी पॉजिटिव है तो निगेटिव कौन सा है, तो आप देख रहे ये 0 है, तो 0 के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। वैसे भी हम लोग चर्चा किए थे पिछले पार्ट में कि जो हाइट होता है वो पॉजिटिव और जो डेप्थ होता है वो निगेटिव। अभी 0 है तो समझ लीजिए कि यहीं से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो भी इंटीजर्स होगा पॉजिटिव होगा, जो नीचे होगा वो निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव 8 है तो 0 के ठीक नीचे हमको 8 काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो हमारा पॉइंट है क्या हो गया, -8, और इस पॉइंट को क्या हम लोग लिख रहे हैं, एफ। तो इसका आंसर कर देंगे, आंसर इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर, तो जी को देखिए, जी कहाँ है, जी रहा है यहाँ, यहाँ जी रहा है, मतलब जी यहाँ पे है। तो आप देखिए जी कहाँ है, 0 से मतलब पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो मतलब जी क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर। इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, निगेटिव इंटीजर।
अब मैंने शॉर्ट में INT लिखा है, आप पूरा लिख लेंगे उसको इंटीजर। नेक्स्ट, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। बी और ई जो पॉइंट है उसके लिए हमको एक इंटीजर वैल्यू लिखना है। तो बी कहाँ है? यहाँ पे है। जीरो से कितने नंबर पे है? 1, 2, 3, 4 नंबर पे। तो चलिए थर्ड का आंसर यहाँ लिखते हैं। बी इज रिप्रेजेंटिंग वॉट? पॉजिटिव 4 है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर है, तो पॉजिटिव 4। एंड ई कहाँ है? नीचे है। कितने नीचे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टेंथ प्लेस पे है। ठीक है, तो माइनस ई क्या हो गया? निगेटिव 10। समझ में आ रहा है आपको कैसे निगेटिव 10 हो गया ये? क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है और टेंथ पोजिशन पे है जीरो से, तो इसलिए निगेटिव 10। तो ये भी हो गया। अब फोर्थ नंबर, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? अच्छा, तो लीस्ट वैल्यू वाला कौन सा पॉइंट है इसमें? जितना भी मार्किंग हुआ है उसमें सबसे लीस्ट वैल्यू वाला पॉइंट कौन सा है? तो ई ही है, देख रहे हैं आप। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फोर का आंसर ई हो जाएगा। नंबर 5, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जितने भी पॉइंट हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 5 नंबर का आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इसमें देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा से सबसे छोटा, तो जो है बस ऊपर से नीचे तक ऐसे ही लिख देना है। क्योंकि आप जानते हैं जो ऊपर, मतलब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जो सबसे, अगर ऊपर हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो जो सबसे ऊपर हुआ वो सबसे बड़ा, जो सबसे नीचे हुआ वो सबसे छोटा। तो बस हम लोग को इसी तरह अरेंज कर देना है। डी यहाँ पे हम लोग लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपली हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसको ओ है, अगर ओ को भी मेंशन करना हो तो ए और एच के बीच में लिखेंगे। मैं ओ को इग्नोर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इग्नोर ओ को हटाकर सभी को मैंने लिखा है। ओ मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? क्योंकि ये ओ जैसा लग रहा है कभी कभी, बट ये जीरोथ पॉइंट पे है ना, तो जीरो भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे हमको डाउट है कि ये ओ है या जीरो, बट अगर आप इसको जीरो मानेंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओ मानेंगे तो कहाँ लिखेंगे? ए और एच के बीच में, और आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th का सॉल्यूशन। अब 7 नंबर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज ऑन द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए आप जानते हैं कि जो राइट में होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। आप ये भी जानते हैं कि निगेटिव, अब यहाँ पे देखिए आप 0 और -5 में, तो ये निगेटिव इंटीजर आप जानते हैं कि 0 से हमेशा छोटा होता है, तो छोटा होता है तो लेफ्ट में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? विच नंबर इज ऑन द राइट ऑफ द अदर ऑन द, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 0 इज ऑन द राइट, है ना, क्योंकि 0 बड़ा हो रहा है, 0 इज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर्स, हम लोग चर्चा की थे ना शुरू में, तो 0 इज ऑन द राइट। अब यहाँ पे कौन राइट में होगा? तो आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा राइट साइड में होते हैं, निगेटिव हमेशा लेफ्ट में होते हैं, तो 6 इज ऑन द राइट, बस ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे तो दोनों ही निगेटिव है, तो कौन होगा राइट में? तो दोनों निगेटिव में, एक्चुअली में जो छोटा दिखता है ना, यानी 0 से जो कम डिस्टेंस पे है वो राइट में होगा, जो ज़्यादा डिस्टेंस पे है वो लेफ्ट में होगा। तो कम डिस्टेंस पे कौन है? -7, तो -7 इज ऑन द राइट। सेम यहाँ भी है, दोनों निगेटिव है, तो कौन कम डिस्टेंस पे होगा? -23, सो -23 इज ऑन द राइट। कन्फ्यूजन हो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और खुद से चेक करना है, खुद से विजुअलाइज कीजिए, खुद से चेक करिए, आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, राइट? और बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, मतलब ये जो पेयर्स दिया है इसके बीच जितने भी इंटीजर्स हैं सभी को लिख लेना है। तो इसका आंसर आप क्या देख सकते हैं, 2 के बाद क्या आता है? 3, 4, 5, 6। अब यहाँ -2 and -5, तो -2 अब ये निगेटिव साइड में है, तो निगेटिव में -2 के बाद क्या आएगा? -3, -4, केवल बीच का ही लिखना है, तो एंड वाला छोड़ दीजिए। सिमिलरली आप इन दोनों का बनाएंगे, कोई डाउट हो नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए एक तो मैं आप लोग के लिए कर ही दे रहा हूँ, मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। -0, -1, -2, -3 ठीक है। अब यहाँ पे हमको -2 और -5 के बीच का बताना, तो -2 ये हो गया, -5 ये हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन है? -3 और -4, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके भी आप अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, राइट?
अब वैसे अगर जो आपको शुरू में ही बताया गया है उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सब। 9, 10 ओके। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 के बाद एक नंबर हमारा मिसिंग है, 6 नंबर। तो 6 इसलिए मिसिंग है क्योंकि उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे, है ना। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है ना। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो 7 हो गया ये, अब 8 भी हो गया, 9, 10, 11। तो रिप्लेस करना है यहाँ पे बॉक्स में, मतलब हमें बताना है कौन छोटा, इसको आप लोग खुद ट्राई करिए, है ना। क्योंकि अब तक हम लोग जितना चर्चा किए हैं अगर आप उसको समझे होंगे तो इसको आप खुद ही बना लेंगे, है ना, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। सिमिलरली 10 और 11 ये दोनों भी आप लोग खुद बनाने का ट्राई करें, ओके। और उसके बाद आ जाता है हमारा assertion reason based question। तो assertion reason based question तो हम लोग कई बार इसके पहले बनाए हैं ऑलरेडी, आपको कई बार समझाया भी जा चुका है। तो इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसको एक बार खुद से बनाएं और उसका आंसर करें। वैसे मैं आप लोग को जो भी छोड़ा गया है उसका हेल्प या सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा दूंगा, बट एक बार आप ट्राई करें खुद से बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस पार्ट को भी मैं एंड कर दे रहा हूँ, और मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में जो इसके आगे के टॉपिक्स है उसके साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।